जो तस्वीरों में दिख रहा है ऐसा ही लग रहा है बाहर आकर वो कह रहे हैं वोट की अपील आज करना आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पर आपकी राय और जो तमाम अन्य मुद्दे उन्होंने? नहीं, आमतौर पर परंपरा ये रही है कि बड़े नेता मतदान के दिन ये जरूर वो अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करें, लोकतंत्र के लिए मतदान करें, लोकतंत्र को विजयी बनाएं, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन अपनी पार्टी का एजेंडा अभी है, लेकिन ये बात खाली अरविंद केजरीवाल पर ही लागू नहीं होती है। आप देखिए जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस दिन प्रधानमंत्री कहीं रैली कर रहे होते हैं उनका वो चल रहा होता है वीडियो, कहीं जो है राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है तो उनका चल रहा होता है, तो वो सब चीज़ें जो है अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। और एक मिनट रागी जी, अब आप वो भी याद करिए 2014 में जब मोदी जी गए थे वोट डालने तो उन्होंने जो है वहाँ पर बूथ के अंदर जो है वो कमल का निशान उन्होंने बाकायदा फोटो से ट्वीट किया था, वो किया था। तो ये सब चीज़ें अब मुझे लगता है कि बहुत अप्रासंगिक हो गई हैं और ये बहुत सामान्य सी बातें हो गई हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को, लेकिन अब हो गया है और ये एक तरह से न्यू नॉर्मल वाली स्थिति हो गई है आज के इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक है, अभी वक्तार साहब आपका इस पर रिएक्शन। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से किया है, मुझे याद आता है 1914 का वो 2014 का इलेक्शन, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से वोट डालकर निकले थे और उन्होंने जिस तरह से पोस्टर लिया था और जिस तरह से दिखाया था, ये उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों नहीं होना चाहिए। बहुत प्रचार मिला था, उन्होंने सेल्फी ली थी, हालांकि लोगों की दूरियां थी उनसे, बावजूद उसके उन्होंने कमल के निशान वाला वो लेकर बाकायदा उसका एक तरह से प्रचार किया था। दूसरी बात, ईमानदारी वाली बात, भ्रष्टाचार वाली बात जो हो रही है, दो तरह के भ्रष्टाचार है, एक वित्तीय पैसे वाला भ्रष्टाचार, एक नैतिक वैचारिक भ्रष्टाचार। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल दोनों में ही विफल रहे हैं। वो इस तरह से कि उनके मंत्रियों पर, उनके चेयरमैन पर, उनके एमएलएस पर तरह तरह के आरोप लगते रहे, यहां तक कि डिप्टी सीएम पर आरोप है शराब घोटाले का, एक मंत्री बंद है जेल के अंदर, 3 महीने से ऊपर हो गए। इन्होंने वायदा किया था झुग्गी वालों जहां रहते हैं वहां उनको मकान देने की बात इन्होंने की थी। कांग्रेस के दौर में पुनर्वास बस्तियां 50 से अधिक बसाई गई, मकान दिए गए, विकल्प दिए गए, लेकिन इन्होंने लोगों को, झुग्गी वालों को पहले से अलॉटेड मकान भी अभी तक अलॉट नहीं किए हैं। यानी ये मैं मानता हूं वायदा करके मुकर जाना या उसे लागू ना करना दूसरी तरह का भ्रष्टाचार है। यानी मतलब चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं केजरीवाल, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ उनके मंत्री एमएलए भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो कहते हैं भाई आपने सारे काम दूसरों को सौंप रखे हैं, बयानबाजी के लिए अपने आप को आपने मुक्त कर रखा है, आपको जवाब देना चाहिए कि ये सब भ्रष्टाचार कौन सा है, क्यों नहीं है। और दूसरी बात, एक सवाल और उठाता हूं मैं, वो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम, एमएलए, चेयरमैन होने के बावजूद केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, उपराज्यपाल कोई कदम नहीं उठा रहे, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। एक तरह से मुझे लगता है ये नूरा कुश्ती भी है, दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं और इसमें बिल्ली के भाग से छींका टूट सकता है। कांग्रेस को अच्छा मौका है इसके लिए, कांग्रेस शीला दीक्षित को प्रचारित कर रही है कि उन्होंने दिल्ली को कैसा बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, जितना विकास कार्य उनके दौर में हुआ है लौट रहे हो आप, बिल्कुल नहीं हुआ। अब दिल्ली कांग्रेस में तो बीजेपी के नेता भी चिंता में है कि कांग्रेस इस बार लड़ाई में है या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का लड़ाई में होने से उनको फायदा मिल सकता है कई जगहों पर। अच्छा नहीं, बहरहाल मैं लौट रही हूँ, संजय जी भी हमारे साथ है, जो बड़े मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नजर इस बात पर भी रखिए कि क्या जो वीडियोस बहुत वायरल किए भारतीय जनता पार्टी ने,
दरबारे तिहाड़ जिसे कहा, मसाजे तिहाड़ कहा, अपने मंत्री के खिलाफ उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के प्रचार किया सत्येन जैन के, कि बेल नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर वार किया, या फिर कूड़े का अंबार, आम आदमी जब सड़क पर निकलता है तो उसकी मुश्किलें, ये सब उसके टॉप ऑफ माइंड रहेगा। मुद्दा हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बार चुनाव में है एमसीडी के, और सफाई से लेकर प्रदूषण, भ्रष्टाचार, विकास। आज भी देखिए दिल्ली की सड़कों पर आप निकलिए, सुबह में क्या हालत रहती है, सांस लेना मुश्किल है। आप दूसरे से, कई लोग गुजरात में चुनावी कवरेज करके वापस आइए, दिल्ली में जब लैंड करते हैं आप तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रदूषण का वहां पर चादर आपको दिखाई देती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। क्या होगा टॉप ऑफ माइंड पर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सभी खास मेहमान भी बने हुए हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको एक बार फिर से, पिछली बार के नतीजे भी बता रहे हैं कि चुनाव में क्या रहा था। अरविंद केजरीवाल ने वोट डालने के बाद क्या कहा है, जिस पर संगीत रागी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। फिर संजय जी आपकी प्रतिक्रिया उस पर। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं, आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है।